गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। राजस्थान में पार्टी कलह के बीच पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने अशोक गहलोत को अपना प्रिय मित्र बताया, कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है। बता दें, पीएम मोदी ने गहलोत के कार्यक्रम के दौरान कहा, आप इन दिनों राजनीतिक आपाधापी के संकट से गुजर रहे, बावजूद इसके आपने विकास के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। पीएम ने कहा, गहलोत जी को कहना चाहता हूं, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान से हैं। वहीं पीएम मोदी के इस बयान को और भी दूसरी तरीके से देखा जा रहा। पीएम मोदी ने कहा, जो काम आजादी के फौरन बाद होना चाहिए था, आज वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करिए, कई काम मेरे सामने रखे, आपका यही विश्वास मेरी मित्रता की ताकत। एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बता दें, राजस्थान में राजनीतिक अंतर्कलह से कांग्रेस जूझ रही है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हाल ही में अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक दिन का उपवास रखा। बताया जाता है कि गहलोत पीएम मोदी और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ कार्यक्रम में मौजूद थे। ठीक उसी समय सचिन पायलट राजस्थान से दिल्ली आए पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने के लिए। सचिन पायलट राजस्थान के सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं, जबकि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, दो बार के राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में राजस्थान का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। पीएम मोदी के बयान को लेकर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर पीएम मोदी ने अशोक गहलोत के बारे में ऐसा क्यों कहा? इसके साथ ही सचिन पायलट को लेकर भी लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। कहा जाता है कि वो दूसरी पार्टी भी बना सकते हैं। अब देखना होगा सचिन पायलट क्या फैसला करते हैं।